हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, न्यूज़ है भारतीय सैनिकों के हौसले की ये तस्वीर पूरी दुनिया हिला देगी। वाह, इंडियन आर्मी LAC PM मोदी, इंडिया पाकिस्तान। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनका अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद चल रहा है, लेकिन भारत की स्थिति बेहद ही विचित्र है। भारत के पड़ोस में दो दुश्मन तो बैठे ही हैं, लेकिन इन्हीं दुश्मनों के कई समर्थक देश के अंदर भी मौजूद हैं। ऐसे में दुश्मनों से भारत की सुरक्षा करना कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश सीमा पर तो सामने से हमला करते हैं, लेकिन ये दोनों देश भारत में बैठे अपने समर्थकों से सेना के ऊपर पीछे से हमला करवाते हैं। तभी तो देश में बैठे ये लोग भारतीय सेना के शौर्य पर लगातार सवाल उठाते हैं, लेकिन आज भारत की सेना ने इन सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की तस्वीरें देखकर आज ना तो पाकिस्तान और चीन को नींद आएगी और ना ही भारत में बैठे पाकिस्तान और चीनी समर्थकों को। आज आपको भारतीय सेना की ताकत के दर्शन करवाते हैं। आप जानते ही हैं कि LAC का इलाका बेहद खतरनाक है और दुश्मन बड़ा है, लेकिन भारतीय सैनिकों का जलवा देख आज पूरा देश हैरान हो जाएगा। भारतीय सेना के जवान चीन की सीमा पर कड़ी नजर रखते हुए क्रिकेट खेल रहे हैं। इतना हौसला तभी आता है जब आपको अपनी ताकत का अंदाजा होता है। सेना की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें सैनिक गलवान इलाके में क्रिकेट और आइस हॉकी खेलते दिख रहे हैं। बेहद ऊंचाई वाले इन इलाकों में सेना गेम्स ऑर्गेनाइज करा रही है। इससे सैनिकों की फिटनेस तो बरकरार रखी जा रही है, लाइव भी तो लाइवली होगी। लेकिन एक जबरदस्त संदेश भी दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने कहा कि हमारी पटियाला ब्रिगेड के त्रिशूल डिवीजन ने पूरे उत्साह और शौर्य के साथ शून्य से नीचे तापमान और बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। हम असंभव को संभव बनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना LAC के पास क्रिकेट क्यों खेल रही है। दरअसल भारतीय सेना ने क्रिकेट और हॉकी खेलते हुए सैनिकों की तस्वीरें तो जारी की, लेकिन उसी के साथ सीमा पर घोड़े पर बैठे गश्त लगाते हुए सैनिक भी दिखाए। भारत ने पिछले कुछ दिनों में गलवान इलाके में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। भारत ने खतरनाक से खतरनाक हथियार सीमा पर लगा दिया है और अपनी गश्त को भी बढ़ा दिया है। इस सैन्य तैयारी के बीच सेना ने क्रिकेट खेलते हुए भी अपने सैनिकों को दिखाया। मतलब साफ है कि अगर इस खतरनाक इलाके में भी भारत के सैनिक आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं तो आप उनके हौसले और ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। यार, बड़ी मजेदार वीडियो थी और देखे बड़ा खुश हुई कि देख, मतलब खुशी मिली है देखकर कि देखो इतना सीरियस काम करते हैं, बड़ा जोखिम वाला काम है आपका कि आप LAC में या बॉर्डर के पास कहीं पे भी, बॉर्डर पे बहुत टफ लाइफ होती है और इनकी तो और भी टफ लाइफ है बाकियों से भी कंपैरिजन में। उसके बाद भी आप अपनी लाइफ में थोड़ा लाइवली, जो कहते हैं ना वो लाने के लिए लाइवलीनेस, उसके लिए आप क्रिकेट खेल रहे हो, थोड़ी एक्टिविटीज़ करो। देखो इतनी स्नो है, उसमें आप हॉकी खेलो, आइस हॉकी खेल लो, तो उस टाइप से वो कर रहे हैं और उससे जो एनिमी है उसको भी दिख रहा है कि इन यहाँ पे जो इनके जो आर्मी के हैं वो कितने आराम से यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ मर रहे हैं, इतनी ठंड में हमारी जान निकल रही है, ऐसे मौसम में हमसे सांस नहीं लिया जा रहा। ये कितने ताकतवर हैं, इनमें पता नहीं कैसा दम है कि ये गेमें खेल रहे हैं, तो मौज कर रहे हैं ऐसी जगह पर। वो यही दिखाना चाह रहे हैं ना हम लोग कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, ये तो हमारे लिए एक ऐसे जैसे रिजॉर्ट होता है कि होटल में जाते हैं मौज मस्ती के लिए, हमारे लिए तो ये उस टाइप का है, मजे की जगह है, हम तो बड़े मजे कर रहे हैं। तो उनकी तो बजा रहे हैं हम लोग कि तुम देखो हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, दिखा दिया कि घोड़े में हम लोग अपना पूरी ड्यूटी भी कर रहे हैं और यहाँ हम खेल भी रहे हैं। तुम लोगों की जाने लग जाती है, तुमसे सांस नहीं लिया जाता, हम ऐसी ऐसी गेमें खेल रहे हैं जिसमें इंटेंस भागना दौड़ना है, जिसमें और मतलब सांस लेने में और भी प्रॉब्लम होती है। कमाल का वीडियो था, मजा। ने कहा है कि देखिए पहली बात तो है कि जो गश्त है
इंक्रीज कर दिए हैं। हर चीज़। इसका मतलब इंटेलिजेंस को कुछ खबर आई होगी कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से आप ज्यादा मॉनिटर करिए। उसके बाद ये डेफिनेटली एरिया जो है 14,000 फीट से ऊंचा है। 14,000 फीट पे जहाँ तक हम गए हुए हैं वहाँ पे आपको सांस लेने में तकलीफ आती है और जैसे ही आप पहुँचते हैं आपको चक्कर टाइप आता है, आपको लगता है कुछ चीज़ें अजीब सी लग रही हैं। आपको एक घंटा लगता है थोड़ा वो होने में कि स्टेबल होने में कि आप ध्यान से देख पाएँ। उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं, मतलब 14,000 तक तो गए हुए हैं और उसमें जो है वहाँ पे आते ही जैसे से ऊपर जा रहे होते हो आपको हालत ख़राब हो जाती है, पता चल जाता है प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पे ये 14,000 से भी बहुत ऊपर होगा, वहाँ पे ये क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। देखिए कितनी ऑक्सीजन आप उसमें इनटेक करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद आइस हॉकी दिखाइए क्योंकि वो तो नेचुरल है, उस टेरेन में जहाँ पर ही थोड़ा पानी है वहाँ पे आइस हॉकी पूरी हो गई। इट इज़ अमेजिंग है दिखाना कि एक्चुअली स्पोर्ट्स हो रहे हैं उतनी एलिवेशन में। उसके बाद उन्होंने घोड़ों में दिखाए हमारे सोल्जर्स जो बारी बारी जाके वो एरिया में करते होंगे। दूसरी फुटेज दिखाई थी वो दूसरी थी क्योंकि वो टैंक्स की थी, वो मेरे ख्याल से दूसरा एरिया होगा। बट एंड ऑफ द डे पहाड़ी इलाके में जिस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस वक्त ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई थ्रेट आ रही है या क्या हो रहा है। मगर एक जगह मैंने देखा था परमानेंट से बनी हुई थी बिल्डिंग्स। हाँ। का मतलब इंडिया ने परमानेंटली वहां पे अपना कर लिया है, जैसे होते हैं ना गांव जैसे सेटल होते हैं उस टाइप के घर परमानेंट कर लिया है कि ये पूरे एरिया में इंडिया परमानेंटली बैठेगा जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होती टेरिटरी का। बिल्कुल। और उनके लोग भी मेरे ख्याल से दूर बैठे होंगे और इंडिया में, मगर वहां पे ये था कि उन लोगों ने कोई कैमरे कुमरे लगा दिए हैं, रिमोट सेंसिंग डिवाइस लगा दिए, खुद वो नहीं है। जब सर्दियां आती हैं वो लोग नीचे चले जाते हैं और अपने डिवाइसेस छोड़ के चले जाते हैं जो ट्रैक करते हैं, अगर कोई ट्रिप हुआ ये हुआ वो तो उनको कैमरे से खबर आती है, परंतु लोग नहीं होते। इंडिया सर्दियों में भी वहीं रहता है और इंडिया में ये भी ग्रेट पॉइंट है कि वो चेंज करते रहते हैं अपने लोगों को कि थोड़ा टाइम रहो फिर दूसरे लोग आओ, जिससे यह सबको प्रैक्टिस हो रही है और एक बंदे पे इतना ज़बरदस्त लोड नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे ब्रीथ करना ऐसा करना काफ़ी डिफिकल्ट है। हेल्थ भी आपकी उससे बहुत नुकसान पड़ता है अगर आप ये नहीं है कि आप, इसीलिए सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वेरी गुड। और हमने एक बहुत सारी फुटेज देखी चाइना की जहाँ पे दिखा रहे थे चाइना के लोग रो रहे हैं, बच्चे यंग थे चाइना के सोल्जर सब रो रहे हैं कि नहीं मेरे को नहीं जाना ये वो मैंने, और बसें दिखाए थे बसों में रोते हुए जा रहे थे कि ओ माय गॉड में जाना है, उनकी हालत बिल्कुल ही खराब थी कि कहाँ हमें भेज रहे हैं हमें। और ये फुटेज वहाँ के किसी बंदे ने लीक किए तभी ये सब आ रही है कि उनकी बसेस में रोते हुए चाइनीज सोल्जर्स जा रहे हैं। और हमने ये भी देखा हुआ है कि यहाँ इतनी ऊंचाई में उनको सांस लेने में इतनी मुश्किल हो रही है, बेहोश हो रहे हैं, उनको गिर रहे थे स्ट्रेचरों में लेके जा रहे हैं, उनको उठा उठा के लेके जा रहे हैं। तो वो तो देख लो डिफरेंस, वो एक मैसेज भी जा रहा है उनके पास कि भैया देखो कि किन से तुम टकरा रहे हो, ये देखो उनके जितने भी स्पाई वगैरह जो भी दूरबीनों से देख रहे हैं उनको सब पता होगा कि ये तो इंडिया तो परमानेंट सेटल हो गया, भैया आपको फायदा नहीं है यहाँ पे चले जाओ, यही एम से ये सब हो रहा होगा कि उनको दिखाने के लिए परमानेंट है और हमारी रोड आ रही है सब कुछ आ रहा है यहाँ तक, हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, ये हमारा क्रिकेट का ग्राउंड हो गया है और यहाँ पे हम जब है ना छक्के मारते हैं और तुमने हमें तंग किया तो हम तुम्हारे भी छक्के बजा देंगे, तुम्हारी बाउंड्री में छक्का मारेंगे, हम तुम्हारे वहां पे बॉल फेंकेंगे कैच करके दिखाओ। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।